कोविड की लहर से जहां लोग एक दूसरे से अपना दामन बचा रहे हैं और लॉकडाउन की परेशानी से जहां लोगों में बेरोजगारी और परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, वहीं लोगों में एक मुस्कुराहट की उम्मीद लेकर AICWC ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर्स कमेटी 124 परगना डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट शबनम बीबी 500 लोगों के बीच कंबल तकसीम किया और उनके साथ साथ AICWC के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब आतिफ शाह, 64 नंबर ब्लॉक के प्रेसिडेंट रेहान अहमद, महिला कांग्रेस की लीडर रूपाली खातून और उनके साथ साथ वार्ड के सेक्रेटरी अनवर साहब भी दिखे गए। एजवी न्यूज से बात करते हुए AICWC के स्टेट प्रेसिडेंट आतिफ शाह ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जमीनी स्तर पर काम करती है और गरीबों के साथ चलती है। उसके साथ साथ TMC पार्टी के डायमंड हार्बर के MP अभिषेक बैनर्जी से नाराजगी भी जताई। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। हम लोगों का फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे श्री सोमेन मित्रा जी, उनके श्रद्धांजलि के लिए ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम रखा गया था शबनम बीबी के तरफ से, जो 124 परगना AICWC की प्रेसिडेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो मौजूदा सरकार जो है, जो TMC का सरकार चला, इनको गरीब का कोई उनको मतलब नहीं है, उनको गरीब का दुखों से कोई परेशानी नहीं, उनको सिर्फ लॉकडाउन करना है और अपना काम करना है। क्योंकि हमारे पास में थाना का परमिशन था, बाकायदा हम लोगों ने राजा बगान पुलिस PS से हम लोगों ने परमिशन लिया था। COVID-19 का मैनेजमेंट एक्ट को हम लोग मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम लोग ने परमिशन लिया था और थाना ने परमिशन भी दिया था। लेकिन क्या हुआ कि कल जहां तक पुलिस से पता चला कि माननीय MP साहब अभिषेक बनर्जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई प्रोग्राम नहीं होगा। और अभी तक इस ऑर्डर का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं है, संवैधानिक ऑर्डर अभी तक नहीं है, किसी DM का ऑर्डर है ही नहीं है। जो लास्ट में जो स्टेट सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर दिया था, कल्चर प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम का, उसमें 50 आदमी को लेकर आप प्रोग्राम कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और हम लोग उस चीज़ को पालन भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो पुलिस है, प्रशासन जो है और जो TMC सरकार जो है, ये लोग नहीं चाहता है कि आम जनता का भला हो, आम जनता के लिए कोई फ़ायदे का काम हो। इनको सिर्फ अपना राजनीति करना है, जिस तरीके इन्होंने विधानसभा में किया, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में किया, जिस तरह छप्पा मारा उन लोगों ने, रैगिंग किया, इसलिए ये लोग अपोजिशन को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। TMC सरकार इतना करप्ट हो चुका है कि ये लोग अपोजिशन को दबाने के लिए, अपोजिशन को रोकने के लिए पुलिस का भी ये लोग सहारा ये लोग ले। अगर ये प्रोग्राम अगर आज तृणमूल का होता, TMC का होता, तो आज ये तरीका का व्यवहार नहीं किया जाता। क्योंकि मैं OC से, मेरा खुद ओवर द फोन बात हुआ, OC के पास में कोई भी ऑफिशियली रिटर्न ऑर्डर नहीं है OC के पास में। ये अनाउंसमेंट कल इनका हुआ है, ये कल अनाउंसमेंट हुआ, आज इन लोगों ने ये चीज़ किया है और अभी तक DM का ऑर्डर नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभी गंगा सागर होने वाला है तो क्या डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में क्या गंगा सागर होता है क्या? क्योंकि OC ने क्लियर बोला है कि किसी तरीका का रिलीजन्स एंड पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्राम नहीं होगा। तो रिलीजन प्रोग्राम में आपका गंगा सागर का भी प्रोग्राम आता है, पर लोकसभा के अंदर में उन्होंने डायमंड हार्बर लोकसभा का, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि डायमंड हार्बर लोकसभा के अंदर में कोई तरीका का रिलीजन प्रोग्राम भी नहीं होने देंगे। तो अब वही देखना है, अब अपोजिशन को भी देखना है और पूरे स्टेट के जनता को देखना है कि क्या डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में गंगा सागर प्रोग्राम होता है या नहीं होता है। ये पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज वाला बात है कि पुलिस ने खुद अपने मुँह से ये बात बोला है। अब ये खुद ये चीज़ को रोक पाते या नहीं रोक पाते हैं, देखिए। आप अगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन का बात करेंगे तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन किस तरीके से करवाया गया है वो शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत बेहतर मालूम है किस तरीके से छप्पाबाजी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हुआ है। अपोजिशन के कैंडिडेट किसी भी पार्टी का, कांग्रेस, TMC, कांग्रेस, CPM, BJP, किसी भी पार्टी का हो, उनके कैंडिडेट को लोग किस तरीके से, उनके सपोर्टर को वोट नहीं देने दिया गया है, ये सबको जानते हैं। हर जगह से वायलेंस हुआ है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट में इसका पिटिशन भी अपोजिशन ने ऑलरेडी दे चुका है, आप लोगों को बेहतर मालूम है। हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने कंप्लेन भी किया है। गरीबों का काम बिल्कुल ही नहीं करने दिया जा रहा है, सिर्फ TMC अपना वोट बैंक, क्योंकि वो लोग चाह रहे सिर्फ हम ही काम करें। तो ऊपर गरीबों को, जो यहाँ का जो नीडी लोग है, जो गरीब लोग हैं, उनके 300 से ज़्यादा कंबल हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। क्या आपका पूरा? आतिफ शाह, मैं AICWC का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और ये शबनम बीबी है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दूसरों को भी काम करने के लिए दें।
देखिए वोट बैंक का तो पॉलिटिक्स बहुत हो गया है। अभी आज के जो दौर जो कोविड कोरोना का जो चल रहा है, कोविड 19 का चल रहा है, इसमें हर कोई परेशान है। सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग है, क्योंकि देखिए ना पॉलिटिशियन का कुछ जा रहा है ना जो पैसे वाले लोग उनका कुछ परेशानी है, मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं ममता बनर्जी से मैं यही कहना चाहूँगा ऑनरेबल CM से कि वो आम जनता के बारे में सोचे, अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स बाद में करे, अपना राजनीति बाद में करे, सबसे पहले जनता का और देश का भला करे। और इस वक्त अभी जो दौर है कोविड का, कि इस वक्त ऑपोजिशन को भी वो कॉन्फिडेंस में लेकर वो काम करे, बिल्कुल ऑपोजिशन को भी अपने साथ ले। ऑपोजिशन सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार है इस मामले में, लेकिन बशर्ते वो लोग सपोर्ट लेने के लिए तैयार हो। हमको तो सुबह सुबह हम तो 4 दिन आगे परमिशन लेके आए, तब हमको कुछ नहीं बताया। अभी एकदम 11 बजे हमको कॉल किया, बोले पूरा आप लोग को मेन चुंच सब खोलने पड़ेगा। तो हम बोले क्यों, तो हमको दिखाया गया जो ऑर्डर है क्या, पेपर, खाली पेपर में दिखाया गया, उसके आगे कुछ नहीं किया गया। हम तो गरीब के लिए ही बांट रहे थे ना, हम तो कोई प्रोग्राम डांस का नहीं करवा रहे थे कुछ, सिर्फ गरीब को। जैसे हम पूजा पंडाल में भी दिया है और अभी भी दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि सोशल वर्कर आगे थे और हमको इतना बड़ा पद मिला है, हम इसका आगे कुछ और अच्छा भी काम कर सकते हैं। फिर उसके नाम क्या, हम बोला था कि अगले महीना हम एक कैंप बैठाएंगे जो दवा डॉक्टर हेल्थ है, वो तो अभी बोल दिया 2 महीना तक का कोई काम नहीं होगा। तो हमको जैसे कल ऑफिस हमको 4 दिन आगे परमिशन मिला और हमको कल तक पता ही नहीं था। सुबह हमको उसी फ़ोन किया, हमको पता चला। परमिशन लेटर है, ठीक है, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, ये परमिशन लेटर है। और अभिषेक बनर्जी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया, ठीक है। अभिषेक बनर्जी एक MP है, कोई DM नहीं है। DM ही होता है जो संवैधानिक पद में रहता है, जो अनाउंसमेंट करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। बट इसका अनाउंसमेंट को हम लोग नहीं मानते। यही प्रोग्राम अगर से TMC की तरफ से होता तो ये आराम से गाजा बाजा से आराम से लोग काम कर सकते थे। बट देखिए जिस तरह से वोट हुआ है, ठीक है, TMC में वोट हुआ है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिशियल लीडर नहीं है। आपका काम कौन कराएगा? ये संविधान के खिलाफ है कि आपको ऑपोजिशन नहीं है TMC में। ये बहुत बड़ा गलत हुआ है, ठीक है। आप देखिए इतना ज़्यादा अच्छे लोग लोकप्रिय है तो सारा का सारा सीटों लोगों ने लूट लिया, तो ये पूरा पूरी असामाजिक है और इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। जैसे देखिए अभी कोई इलेक्शन नहीं है, हम लोग कोई वोट लेने के लिए ये प्रोग्राम का आगाज़ नहीं किया था, कोई बेनिफिट लेने के लिए आगाज़ नहीं किया था। लॉकडाउन हुआ, इससे पहले हुआ, इससे गरीब लोगों का इतना हालात ख़राब हो गया कि किसी भी शख्स को अगर कोई मदद के लिए बुलाओ तो बेचारा परेशानी में चले आता। तो हम लोग कुछ मदद हो जाए गरीबों का, ये नियत करके एक प्रोग्राम शुरू किया और आइंदा भी करने का बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग का लिस्ट में था। डॉक्टर का प्रोग्राम था, दवा देने का प्रोग्राम था, और इसलिए हम लोग इसको संवैधानिक तरीका से करने का कोशिश किया। ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम था, तो हम लोग को अगर ये पहले भी अगर बोल दिया जाता ऑफिशियली तो शायद हम लोग इसका तरीका बदल देते। बहुत गरीबों का मदद तो करना ही होगा जी। हम लोग को तो 15 दिन पहले से ही मालूम था, उसको देखते हुए हम लोग मास्क लगा कर 50-50 करके, देखिए हम लोग नोटिस पढ़ा, TN में लिखा हुआ है कि 50% कैपेसिटी के हिसाब से बार खुलेगा। तो बार जब 50% कैपेसिटी से खुल सकता है तो हम 50% कैपेसिटी से गरीबों को दान क्यों नहीं दे सकते? राशन दे सकते भी लगा कर, और हम कम से कम रेलवे 7 बजे तक रेलवे चला सकते हैं, तो गरीबों का मदद क्यों नहीं कर सकते? तो यही नियत से गरीबों का मदद करने का कोशिश किया, लेकिन गरीबों का मदद भी अगर ऑपोजिशन को नहीं करने देगा तो एक ऐसा कोई कानून ला दे देश